हेलो दोस्तों, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल आपका स्वागत करता है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ई कॉमर्स की, कि ई कॉमर्स होता क्या है। आप लोगों को पता है कि ई कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी ट्रेड होगा, बाय होगा, सेल होगा, तो वो किस वे में होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉनिक वे में। दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज का इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रेड होगा, उसे हम कहेंगे ई कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक वे में, लाइक आप बिजनेस फॉर्म देख सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी होंगी, तो वो हो जाता है ट्रांजेक्शन है, या फिर कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये चीजें होती हैं, तो हम उसे ई कॉमर्स कह देते हैं। ई कॉमर्स टेक प्लेस बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस फॉर्म में ये दिखता है, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होना, ये हो जाता है ई कॉमर्स में। बिजनेस फॉर्म एंड कस्टमर के बीच में, लाइक एग्जाम्पल की कोई ऑनलाइन शॉप आप कर रहे हो, जब ऑनलाइन आप शॉपिंग करोगे, तो डायरेक्टली एक एंटरप्रेनर डायरेक्टली एक कस्टमर से जुड़ रहा है घर बैठे। ये हो जाता है बिजनेस फॉर्म एंड कस्टमर। आप यूट्यूब में हो, अभी आप लोगों के सामने एड आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, तो ये हो जाता है बिजनेस फॉर्म टू एंड कस्टमर। आप क्विकर में हो, और आप सपोज कि आप कुछ बाय करना चाहते हो, तो जो भी क्विकर में अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहां से जाके आपको जो चाहिए आप बाय कर सकते हो। डायरेक्ट आपका कॉन्टेक्ट होगा जो भी आपको सेल कर रहा है। बिजनेस फॉर्म एंड गवर्नमेंट एजेंसी, इनका भी होता है डायरेक्ट। बिजनेस फॉर्म एंड गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में ऑनलाइन वे में हो जाता है। देन कस्टमर टू बिजनेस, डायरेक्ट कस्टमर टू बिजनेस, लाइक एग्जाम्पल क्विकर हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट अपलोड करो, लाइक एग्जाम्पल साइकिल है और मुझे वो यूज नहीं करनी है, मैं क्विकर में डाल दूंगी और मेरा सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से कस्टमर टू कस्टमर भी हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला क्विकर के एग्जाम्पल। ऑनलाइन वे में हो जाता है, ऑनलाइन आप अभी स्विगी आ गया है, पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो ये जो ओला है, तो ये भी ऑनलाइन ही हुआ कि आप ऑटो डायरेक्टली ओला के थ्रू बुला सकते हो, तो ऑटो मिल जाएगा, टाइम से आप जा पाओगे। तो ये जो चीज है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और इसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट कर रही है। ई कॉमर्स बहुत ही इजी वे है, और आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, टाइम की बचत होती है, बहुत सारी चीजें जो स्पेंड हम करते थे, वेस्ट ऑफ टाइम जो होता था हमारा, वो बचत हो रही है। टिकट भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक बिल है वो भी आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, फैसिलिटीज जो मिल रही है हमें, ये मिल रही है ई कॉमर्स की देनगी से। तो ई कॉमर्स का इन सिंपल वे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वे में, ऑनलाइन वे में ट्रेड होना गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर चाहे वो कुछ भी हो सकते, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। आजकल इंटरनेट बहुत बढ़ रहा है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो ई कॉमर्स और ट्रेंडिंग में चल रहा है। आजकल कोई विदाउट नेट रह ही नहीं सकता, पबजी जो फैल गया है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइज की फैक्टर है, कुछ सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स के कुछ फैक्टर्स है कि कितना सक्सेसफुल कैसे हो रहा है ये ई कॉमर्स। तो उसके लिए सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप ओ इंडिया, स्किल इंडिया, इनोवेशन फंड, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इफेक्ट कर रही हैं, और बहुत ही स्किल मैन पावर को, जो भी लैक ऑफ स्किल मैन पावर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। आजकल तो लोग घर बैठे ही सब, पार्लर का कोर्स है, बहुत सारी चीजें फ्री में ही सीख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन वे। तो ऑनलाइन के थ्रू इस ये सारी चीजें हो रही है। तो सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स का ये भी बहुत आइडिया है कि हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ई कॉमर्स को। देन नेक्स्ट है जीएसटी जो लाई गई, उसकी वजह से भी ई कॉमर्स को ग्रोथ होने में फायदा हुआ। इवोल्यूशन ऑफ न्यू पेमेंट सॉल्यूशन, आजकल तो यूपीआई हो गया है, पेटीएम हो गया, इस तरीके से ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, मतलब ट्रांसफर करने के लिए भी हो गया, यूपीआई हो गया है,
और पेटीएम हो गया जिससे आप ऑनलाइन टिकट वगैरह का कर सकते हो। देन कंटिन्यूअस इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस विल हेल्प द सेक्टर। कंटिन्यूअस ये चीजें होने से इंटरनेट का जोर बहुत बढ़ रहा है और आजकल ऑनलाइन जमाना आ चुका है। तो ये था हमारा ई कॉमर्स। अब क्या होता है ई कॉमर्स, अगेन रिवाइज करते हैं तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिलेट टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। अगेन अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे, मतलब कि ट्रेडिंग जो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो कौन से मोड में हो रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही है, जैसे कि इंटरनेट का यूज करना, सब ऑनलाइन हो रहा है आजकल, दैट इज द ई कॉमर्स। तो आई होप आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये कुछ डेटा दिया हुआ है कि ऑनलाइन एवरेज स्पेंड पर ऑनलाइन शॉपर इन इंडिया कितने हैं। देखो तो अभी 2018 में 288 थे और 2020 में 464 हो ही जाएंगे। नंबर ऑफ ऑनलाइन शॉपर इन इंडिया कितने शॉपर, तो मिलियन में है, ये तो यूएसडी का था, ये तो मिलियन है। आप देख सकते हो 2018 में 140 और 2020 में 220 हो जाएंगे। ऑनलाइन शॉपर की परसेंटेज की, कितने परसेंटेज जो इंटरनेट यूजर्स हैं, तो देख सकते हो आप 2018 में 25 और इंक्रीज हो रहा है। पहले का डाटा देखो, अभी का देखो, कितना इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ये बहुत ही, और गूगल जिस जब से आया है तब से आप देख सकते हो कि किस तरह। तो क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है भाई, ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स होता क्या है, ये तो हमने जान लिया कि ई कॉमर्स क्या है, अब इसकी हिस्ट्री क्या है भाई, कैसे आ गया ये ई कॉमर्स, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो हमारे साथ जुड़िए, फुल एजुकेशन सपोर्ट फैमिली के साथ जुड़िए और इस चैनल को शेयर कर दीजिए जितना उतना, ताकि हर एक फ्रेंड को ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा चैनल है जहां पे स्टूडेंट के डाउट क्लियर होते हैं। स्पेशली ये वीडियो एम कॉम स्टूडेंट्स के लिए था, जो भी एम कॉम के स्टूडेंट है सेम टू दे रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट का नाम है ई कॉमर्स। ओके, तो ये अगर आप लोग लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते कॉलेजेस में, क्लासेस में, तो आप लोगों को ये फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल में, तो प्लीज शेयर कर दीजिए, जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड डिसलाइक किया है तो प्लीज गाइस बताना कि क्या मिस्टेक हो गई, मैं अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।